अगर आपका भी एग रेप्चर नहीं हो रहा है, अगर आपका भी ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो आपको मैं 3 स्टेप ऐसे बताऊंगा कि अगर आप अपने लाइफ स्टाइल, अपने दिनचर्या में शामिल करते हो, तो फ्रेंड्स आपको 100% जरूर इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आजकल ये देख रही हूँ कि लोग सालों सालों पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, सालों सालों आप कोई बताओ, कोई होम रेमेडी बताओ या फिर कोई उपाय बताओ, तो लोग इतना परेशान हो जा रहे हैं क्योंकि मैंने 1 महीना किया लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अरे यार, जितने दिन अपनी बॉडी को बिगाड़ने में आप लगाए हो, अपने शरीर को बिगाड़ने में लगाए हो, कम से कम उतना महीना तो उसको दीजिए, कम से कम 3 से 4 महीना तो कोई भी काम करिए ताकि उसका रिजल्ट आपको मिले। कोई काम कम से कम 3 महीने से 4 महीना करोगे तो ही ना, तो ही तो उसका रिजल्ट मिलेगा। आपकी बॉडी बिल्कुल बेकार हो चुकी है और आप चाहते हो कि बस छू मंतर की तरह कोई भी आपको काम मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है डियर। कोई भी काम करने में काफी मेहनत होते हैं और काफी लगन से कोई काम करोगे तो ही आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं कि अगर आपका एग रेप्चर नहीं हो रहा है, तो आज की वीडियो में मैं 3 ऐसे आपको तरीके बताती हूँ जिससे कि आपको 100% एग रेप्चर होने लगेगा। अगर आप इंजेक्शन वगैरह ले रहे हो, एग रेप्चर करने के लिए इंजेक्शन वगैरह आते हैं, उससे भी अगर नहीं हो रहा है, तो ये थ्री टिप्स को फॉलो आप जरूर करिएगा। सबसे पहला टिप्स है एक्सरसाइज। देखिए डियर, अगर आप अपने डाइट और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर देते हो और अपने आप को कम से कम 3 से 6 महीने देते हो, तो मैं ये आपको पूरे दावे के साथ बताती हूँ कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। कितने लोग बोल रहे हैं कि आप तो बहुत सारी चीज बताते हो, तो आप बहुत सारी चीज बताते हो, तो अपने जो मैं आपको समझा रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, उसको देखिए, समझिए और अपने ऊपर अपनी बॉडी को देख के समझ के उसको अप्लाई करिए। अगर मैंने आपको लौंग का पानी बताया, अगर उसको आप ले रहे हो, अगर आपकी बॉडी में गर्मी प्रदान हो रही है, तो आप एक काम करो, सौंफ उसके साथ लो, गोंद कतीरे का इस्तेमाल करो। अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो जो आपकी बॉडी की गर्मी की ही, जो आपकी बॉडी की गर्मी है, जो हीट है, वो शांत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। सबसे बड़ी समस्या है कि वीडियो को तो आप लोग पूरा नहीं देखते हो और पूरी नॉलेज लेना चाहते हो, तो ये कहाँ से पॉसिबल है। तो वीडियो को रिक्वेस्ट है पूरा देखा करिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक्सरसाइज में क्या करने हैं, सबसे पहला एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार करने हैं। सूर्य नमस्कार के जो सेट हैं उसको कम से कम 1 से 2 बार करो, इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। इससे आपकी ओवरी की जो फंक्शनिंग है ना, वो बिल्कुल बूस्ट होगी, आपके ओवुलेशन ट्रिगर होंगे और फ्रेंड्स आपका जो ओवुलेशन होने की प्रक्रिया है, जो एग रप्चर नहीं हो रहे हैं, उसमें भी ये आपको काफी बेनिफिट देगा। दूसरा आपको एक्सरसाइज करने हैं बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी आपको जरूर करने हैं और ये सारे एक्सरसाइज, कोई भी इसमें एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि शाम को कर ले, कि सुबह कर ले, कि दोपहर में कर ले, नहीं, आपको सुबह में ही करने हैं। अगर आपको प्रेग्नेंट बनने हैं तो सुबह में ही करने हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको तीसरा जो एक्सरसाइज करने हैं, लेग अप द वॉल पोजीशन। लेग अप द वॉल पोजीशन जिसको कि योग के भाषा में विपरीत करनी आसन बोला जाता है, ये अगर आप करोगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर इसका इस एक्सरसाइज को आपको करने काफी जरूरी है। लेग अप द वॉल पोजीशन जो है वो किसको नहीं करने हैं, जिन महिलाओं का आंखों का अगर ऑपरेशन हुआ है, जो है थायराइड की समस्या है, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, तो उनको लेग अप द वॉल पोजीशन बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए। जो महिला बिल्कुल स्वस्थ है, उनकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल उनको बस उनका सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, उनको केवल उनकी प्रेगनेंसी नेचुरली उनको ट्राई कर रही है बट नहीं हो रहा है, तो वो लेग अप द वॉल पोजीशन कर रही है। और जिसको ये सारे समस्या है, लेग अप द वॉल पोजीशन छोड़ के और भी एक्सरसाइज काफी है, कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा वॉकिंग तो आपको जरूर करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गई एक्सरसाइज की बात। अब बात करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह आपने कर लिया, फ्रेश हो गए, इसके बाद आपको करने क्या है, इसके बाद आपको दालचीनी का चाय बनाना है। दालचीनी का चाय बनाइए या फिर दालचीनी का पानी लीजिए, या फिर दालचीनी को अपने जो सैलेड वगैरह आप बना रहे हो ना, उस पर छिड़क के खाइए, स्प्रिंकल करके खाइए। जैसे भी हो, आपको सुबह सुबह दालचीनी 1 कप जरूर लेनी चाहिए। 1 कप, जैसे 1 गिलास पानी रखा, उसमें जो है दालचीनी ऐड किया, उसको बॉईल करते करते जब आधा रह जाए, उसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर उसको छान लीजिए, पहले छान के और उसके बाद उसमें हनी ऐड करिए। उसी पे नहीं ऐड करना है, यानी कि हनी को ऐड करके बॉईल कर दिया,
ये आपको नुकसान कर जाएगा। हनी को ऐड करके बॉइल नहीं करना है, शहद को नीचे उतार के छान के एक गिलास में उसके बाद जो है हनी को ऐड करना है। उसके बाद ऐड करके उसको उसको जो है अपना ले लीजिए सुबह सुबह एंटी स्टमक अपना इसको लीजिए। उसके बाद अपना खाना खाना है, अपना जो सुबह का आप जो भी ब्रेकफास्ट लेते हो उसको लेना है, लेकिन ब्रेकफास्ट में आपको हैवी चीज लेना है बिल्कुल तना। तो फ्रेंड्स अगर आप ब्रेकफास्ट में जो है स्प्राउट्स ले लेते हो, इसके साथ साथ आप दलिया वगैरह का इस्तेमाल करते हो, ओट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हो, तो इससे आपका पेट भी भरा रहेगा, आपको न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छे से मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो भी घर का काम काज करते हो कर लो। उसके बाद थोड़ा सा क्या करना है, आपको सौंफ का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा सौंफ का पानी बना लीजिए या फिर सौंफ को छान के लीजिए, या फिर सौंफ कच्चा भी सौंफ खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सौंफ का इस्तेमाल करना है, एक चम्मच सौंफ का आप इस्तेमाल करिए ब्रेकफास्ट करने के बाद या फिर लंच करने के बाद। बीच में कभी भी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कभी भी एक चम्मच सौंफ के पानी बना लीजिए या फिर कच्चा ले लीजिए, या फिर उसको आपको आपकी इच्छा पानी में अगर लेकर पानी बना के लेंगे तो ये आपको और फायदा करेगा। तो आप सौंफ का इस्तेमाल करिए। उसके बाद आप लंच में अपना पूरा मील लीजिए। लंच में दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए, पूरी की पूरी दाल होनी चाहिए, जो प्लांट वेस्ट प्रोटीन होती है उसको लेना है। उसके बाद आपको दही वगैरह का इस्तेमाल करना है, जो भी आप खाना खाते हो दाल चावल रोटी सब्जी पूरा आपकी थाली होनी चाहिए, और वो भी हेल्दी डाइट, उसमें कोई भी तला भुना तीखा मिर्चीदार चटपटा मसालेदार बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर होनी चाहिए, दालें जरूर होनी चाहिए, और फ्रेंड्स आपको आपके घर में जो भी अवेलेबल है उसको लीजिए। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको क्या करने हैं कि अपने डाइट में सीड्स पे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लेकिन अच्छी वीडियो को आप लोग उतना प्यार नहीं देते हो, देखते ही नहीं हो, तो सीड्स का इस्तेमाल आपको जरूर करने हैं। नट्स का भी, नट्स में जो नट्स होते हैं उसमें आप ओमेगा 3 लीजिए। ओमेगा 3 आपको अलसी के बीज में भी मिलेगा और आपके अखरोट में मिलेगा। 1 से 2 अखरोट आपको डेली लेना है, 1 से 3 से 4 बादाम आपको डेली लेना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप जो है और भी जो सूखा फल होता है यानी कि जो नट्स होते हैं उसमें काजू हो गए, पिस्ते हो गए, ये सारी चीज अगर आप प्रेफर कर सकते हो तो आप हर नट्स को इस्तेमाल अपने डाइट में जरूर करें, ताकि इससे आपकी जो हार्मोन है ना वो बिल्कुल बूस्ट हो। और सीड्स का इस्तेमाल तो आपको जरूर से जरूर करने हैं। सीड्स के 4 सीड्स हैं जो कि 15 दिन अलग लेने हैं, 15 दिन 2 सीड्स लेने हैं, 15 दिन 2 सीड्स लेने हैं, इसको आपको लेने जरूर है। तो ये दो इन सीड्स का इस्तेमाल करिए। एक गिलास दूध अपना रात को जरूर लीजिए। उसके अलावा फ्रेंड्स आप एक और काम कर सकते हो कि स्ट्रेस टेंशन तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल आपको अपनी पॉजिटिव रहना है। आपको पॉजिटिव जब आप रहोगे तो आप जो आप पॉजिटिव रहोगे, आप बार बार अपने माइंड को ये मत दिखाइए कि मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो पॉजिटिव रहती हूँ। पॉजिटिव आप नहीं रहते हो, आप अपने अंदर निगेटिव थॉट्स को लेकर बैठे हो, क्योंकि आप बार बार हर महीने ये देखने पे हो कि मेरे अंदर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई दिए कि नहीं, प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। इसको बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल इसको हटा दीजिए। इसके साथ साथ फ्रेंड जब ओवुलेशन आता है, ओवुलेशन के समय अपने ओवुलेशन के डेट को कैलकुलेट करके अच्छे से रिलेशन मेंटेन करिए, और फ्रेंड 100% आपको 6 महीना अगर दोगे तो 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो दालचीनी है या फिर जो मैंने सौंफ बताए हैं, यही दो चीज जो होम रेमेडी बताई है, इसको लेने कब है, जब आपका पीरियड खत्म हो जाता है, यानी कि जब पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है 3 से 4 दिन के बाद इसको आपको लेना शुरू कर देना है। सुबह में दालचीनी और वही लंच के बाद या फिर डिनर जो लंच के बाद या फिर ब्रेकफास्ट के बाद सौंफ, यही दोनों चीज को आपको लेने शुरू कर देने हैं। और इसको लेने कब है, जब तक आपका ओवुलेशन नहीं हो जाता, यानी कि आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन की है तो आपको इसको 14वें दिन बंद करने हैं, यानी कि पीरियड के डेट से 4वें दिन से 5वें दिन से शुरू करके और 14वें दिन इसको बंद करने हैं। अपने कान को खोल के और अच्छे से ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रही हूँ, 14वें दिन इसको बंद कर देने हैं, क्योंकि ओवुलेशन अब होगा आपका, और ओवुलेशन के समय गर्म पासीर की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जब ओवुलेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स उसको वहीं पे बंद कर देने हैं, दालचीनी को और सौंफ को वहीं पे आपको बंद कर देने हैं। इसके बाद जो सीड साइकिलिंग है, जो 15 दिन जो सीड्स लेने हैं उसको बंद कर देने हैं, और जो 15 दिन का सीड्स है उसको फिर से लेने शुरू कर देने हैं। इसको समझने के लिए मेरे वीडियो
देखना आपको जरूरी है, जो कि मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका इम्प्लांट का समय चलेगा, तो इम्प्लांट के समय में भी आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, 10 चीज बिल्कुल अवॉइड करने हैं, जो कि मैंने वीडियो बनाए हैं उस वीडियो को देखिएगा। तो ऐसे आप अगर करोगे तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, समझ में आ गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।